500 चैनल पर आपका स्वागत। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अभिलेख या प्रथम अभिलेख कहें, ज्ञात अभिलेख कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, हाथी कुंभा अभिलेख की बात करेंगे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 3 मील की दूरी पर दो पहाड़ियाँ हैं, उन पर गुफाएं बनी हुई हैं। एक को उदयगिरी की गुफाएं बोला जाता है, एक को खंडगिरी की। उनमें उदयगिरी नाम की एक पहाड़ी पर एक अभिलेख मिला है, एक शिलालेख मिला है, शिला पे लिखा हुआ है, जिसे हाथी कुंभा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। जानते हैं इसके कुछ फैक्ट के बारे में। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूरी पर उदयगिरी नामक पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा से एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो हाथी कुंभा अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कलिंग राज यानी कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था, लिखवाया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यह अभिलेख भारत का प्रथम प्रशस्ति है, प्रथम अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख भी मिलता है, जो भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हाथी कुंभा जो अभिलेख है, वो खारवेल का हाथी कुंभा अभिलेख उड़ीसा के भेदी वंश के शासक खारवेल द्वारा बनाया गया था। जो खारवेल थे वो जो भेदी वंश के शासक थे, और इनका जो काल था वो 1 BC माना गया है, ईसा से 21वीं पूर्व माना गया है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।